मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में आबकारी और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की गई। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य जीएसटी के तहत हरियाणा राज्य का जीएसटी संग्रह अप्रैल से नवंबर 2019 की पिछली वित्तीय अवधि की तुलना में 17.92% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2019 के दौरान राज्य की सकल जीएसटी संग्रह की तुलना के लिए 6% की राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले 26% की वृद्धि देखी गई है। पिछली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा करते हुए श्री अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 1300 करदाताओं जिन्होंने पिछले महीनों में अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया था, उनसे रिटर्न न भरने के कारण का पता लगाने के लिए सीधा संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री को उन दो बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया गया, जो विभाग द्वारा राज्य में व्यापारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई हैं। जीएसटी राजस्व में बढ़ाने में आबकारी और कराधान विभाग के प्रयासों की मुख्यमंत्री द्वारा सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभाग को भविष्य में ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए ताकि राज्य को वर्ष में 14% की अनुमानित वृद्धि से राजस्व में कमी के कारण किसी भी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता न हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।